हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई वैकेंसी से लेकर आया हूँ। ये वैकेंसी निकाली गई थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। यहाँ पे आपका टोटल वैकेंसी 1901 वैकेंसी है और इसमें आपका स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे 1200 वैकेंसी रखी गई है। और मैं इस वैकेंसी के बारे पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कब से आप अप्लाई कर पाएंगे, अप्लाई करने के लिए आपके क्वालिफिकेशन, एज लिमिट वगैरह क्या होनी चाहिए, सारा चीज़ जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए करेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है थाने महानगर पालिका जाहिरात की तरफ से। यहाँ पे कई तरह की पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई, लेकिन मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सिर्फ स्टाफ नर्स के लिए जो 1200 वैकेंसीज है, वही वैकेंसी के बारे में यहाँ पे जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। और जो अदर पोस्ट है उसके बारे में आप लोग पूरी जानकारी आप प्राप्त कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस लिंक से क्लिक करने के बाद PDF फाइल आप लोगों को डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ से आप अदर जो पोस्ट है के बारे में अब जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और जो नर्स के लिए वैकेंसी से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी से, तो यहाँ पे नर्सेस नर्सिंग के लिए जो GNM और BSc कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। अगर आप लोगों ने GNM या BSc नर्सिंग किए हुए और साथ ही में आपका 1 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें आपका जो टोटल वैकेंसी रखी गई GNM और BSc के लिए 750 रखी गई है और पे स्केल इसमें आप लोगों को यहाँ पे 40,000 रुपया मिलेगा पर मंथ। इसके बाद यहाँ पे नर्सेस NM कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे अगर आप लोगों ने NM किए हुए नर्सिंग से और 2 से 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं आप। इसमें आपका टोटल वैकेंसी 450 रखी गई। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल यहाँ पे आपका 35,000 रुपया पर मंथ सैलरी रखी गई इसमें। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए आप कब से आप आवेदन कर सकेंगे। तो अप्लाई के स्टार्टिंग डेट है फ्रेंड, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज से इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 8 जुलाई 2020 से। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट डेट जो रखी गई वो 11 जुलाई 2020 को। अगर फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो फ्रेंड तुरंत यहाँ पे जाके इसके ऑफिशियल साइट में जाके अप्लाई कर दीजिए। उसका अप्लाई करने का लिंक भी मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया है, वहाँ से क्लिक करने के बाद इसके ऑफिशियल साइट आप चले जाएंगे और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का अमाउंट ऑनलाइन रखी गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है, और जाके तुरंत अप्लाई कर दीजिए इस पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल है तो। यहाँ पे आप बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एज लिमिट की, तो मैक्सिमम एज रखा गया है 38 ईयर सभी पोस्ट के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जो सभी कई तरह के पोस्ट पे जो वैकेंसीज निकाली गई स्टाफ नर्स के अलावा, वो यहाँ पे देख लीजिए कि कितना पोस्ट है, क्या आपकी वैकेंसीज है और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए करेगी।